चलिए जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट चैंटिंग ओंकार। सायराम, कौन सी कविता पढ़ रहे थे हम, कोई बता सकता है? अभी 5 मिनट के अंदर अंदर मैं उन बच्चों को निकाल दूंगी जिन बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखा है। विद इन 5 मिनट्स मैं नाम बोलते जा रही हूँ जिन्होंने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है, मैं उन सबको निकाल दे रही हूँ। अर्जुन, स्नेहल, आयुषी, शैलेंद्र सिंह भुरिया, शिवम का तो चलिए ऋषिका, क्योंकि बेटा इतने लंबे समय तक हम आपको बार 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 ये बोले कि प्लीज कैमरा ऑन करके बैठिए प्लीज। ये शैलेंद्र सिंह भुरिया 2 बार कहाँ से ज्वाइन हो गए हैं, भैया भी ज्वाइन हो गए हैं, दीदी ज्वाइन हो गई हैं, 2 जगह से ज्वाइन, 1 जगह से लीव कीजिए। अभी तक आयुषी का कैमरा ऑन नहीं है ना ऋषिका का, सम्राट का भी बंद हो गया। मैं अभी 2 मिनट के अंदर इन सबको निकाल देती हूँ तभी मानेंगे ये लोग। हाँ अर्जुन, सम्राट का कैमरा ऑन है, अभी आपने ऑन किया दोबारा से, इस 2 सेकंड के लिए आपने कैमरा बंद कर दिया था। नो मैम, मेरे तो जब से ऑन है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, अब हम मिर्च का मसा पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस बच्चे से बोलूंगी वो बच्चा कविता को गाएगा, और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब बच्चे पहले करके रखेंगे, दूध पी करके ब्रेकफास्ट करके बीच क्लास में सब कार्यक्रम नहीं चलेगा। बगैर देखे आपको कविता सुनानी है, 4 दिन की छुट्टी थी, आपको आराम से कविता याद हो गई होगी। याद हो गई है सबको, कितने बच्चों को याद हो गई है, हाथ ऊपर कीजिए। मानसी, यस मैम, इलेश, हाथ ऊपर करने के लिए बोला है युवराज। माधव जी, कविता याद हो गई क्या, क्यों मैम? मैं याद नहीं कर पाए मैम, बेटा नहीं कर रहे। आप याद नहीं कर पाए, क्यों नहीं याद कर पाए? मैं अपने व्हाट्सएप पे भेजा था कुछ कविता आपके कि... हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं माधव? मैं मिर्च का मजा। मिर्च का मजा क्या है, कविता है ना? यस मैम। हाँ, मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में कविता सुनूंगी, आपने क्यों नहीं तैयारी की? 4 दिन की छुट्टी भी मिली थी, थोड़ा थोड़ा ही याद करते तो याद हो जाता आपको कविता। चलिए पहले मानसी ने हाथ ऊपर किया था तो मानसी सुनाएंगे, सुनाइए बेटा। यस मैम, एक कबूतर बालू खाते हैं लोग कहानी, बाल में उसको देख गया बन के वो मुंह पानी, सोचा क्या अच्छी जानी हूँ खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, एक चरमी थे और थोड़ी अपनी फैलाकर कुंजल से बोला बेचारा बिना कुछ कुछ समझा कर, लाल लाल अपनी छुमी हो, अपनी छुमी हो, अपनी छुमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दे दो, तो दुनिया फकत आने की, हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजलिन झट से बोली और सेब बोली और सेब हरी लाल मिर्च से भरी उसकी झोली, मगन हुआ काबुली, फली का सौदा सस्ता
सस्ता पाके लगा कबाड़ में तो बैठकर नदी किनारे जाके, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुली का मर्द पर काबुल का मर्द लाल चीनी से क्या मुख मोड़े, जिस पर खर्च हुआ जिस पर उसे क्या बिना सदाए छोड़े। आंख पोछते दांत पीसते रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा। की झीमी कोशिश आते तभी उधर से इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ, अरे बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। काबुली कहा, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया। ठीक है, अब एक प्रश्न चवन्नी में कितने आने होते हैं? देवादित्य, चवन्नी में कितने आने होते हैं? देवादित्य जी, मैम आपसे प्रश्न पूछ रही हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको मैम ने पिन कर दिया है, आप ही आप दिख रहे हैं। चवन्नी में कितने आने होते हैं? कविश, पच्चीस आने, पांच आने होते हैं। बताइए युवराज चवन्नी में। मैम दो आने नहीं, इसका मतलब आपने पाठ कविता को खोलकर देखा ही नहीं। मैम देवांशी बताए, अर्पित जी, चवन्नी में कितने आने होते हैं? नहीं पता, और चेष्टा जी, साईराम, ये अनम्यूट नहीं करना है आपको, ठीक है? पहली बार तो मैं आपको देख ही रही हूँ। हैंड रेस करना है और म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कौन बताएगा? देखिए स्नेहल ने भी कैमरा बंद कर दिया। आप अपना अपने किताब को जरा खोल करके देखिए, पीछे पलट करके देखिए, पेज नंबर 118। मैम एक आने। चेष्टा जी, मैं आपको दूसरी बार रिमाइंड करा रही हूँ, हैंड रेज करना है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट नहीं कीजिए, मैम से बात बताए, म्यूट कर लीजिए। चेष्टा शिवम बताइए, 25 पैसा। मैंने पैसा नहीं पूछा, मैंने कितने आने। देवांशी बताइए, चार आने। मैंने आना पूछा है, मैंने पैसे नहीं पूछे। शिवम प्लीज, अंश मीना प्लीज, म्यूट कर लीजिए अपने आप को बेटा, सुना कीजिए।
फिर आपको सुनाई नहीं देगा। पेज नंबर 118 पर बहुत क्लियरली दिखा, अगर आपने किताब खोला होगा इन 4 दिनों में तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चार आना, चवन्नी मतलब चार आना, मैंने यही पूछा था, चवन्नी मतलब कितना आना होता है और चार आने में कितने पैसे होते हैं या चवन्नी में कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे। 25 पैसे, ठीक है। अब बताइए शेर, एक शब्द आया है शेर, शेर मतलब कितना किलो होता है? मैंने बताया था क्लास में, एक शेर मतलब मैम एक शेर माने 1 रुपए? नहीं, कितने किलो, किलो किलोग्राम पूछ रही हूँ। मैम 1 किलो? मैम 1 किलो से थोड़ा सा कम। आपने कभी अपने पैकेट्स को देखा है आजकल 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है पता है? मैम 500 ग्राम। 500 ग्राम? मैम 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ये तो पुराना नाप है। आजकल आपने अपने कभी अपने पैकेट्स को देखो जरा, आपके घर में कोई भी टिन पैकेट्स आया हो उसमें जो 1 किलोग्राम का 900 ग्राम 933 ग्राम के बराबर है, 933 ग्राम के बराबर होता है। 1000 आप बोलते हैं बेटा, लेकिन आजकल जो प्रेजेंट जो वजन नापने का है वो 1 किलो में 933 ग्राम आता है। आपने कभी देखा है? लीटर अलग चीज होता है, किलोग्राम अलग चीज होता है। वैसे आपको एक शेर मतलब कितना बताना? पैकेट का भी वजन ले लेते हैं। हाँ, पैकेट का भी वजन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुंजड़िन का क्या अर्थ है? स्नेहल, कुंजड़िन मतलब बेचने वाली। प्लीज युवराज हैंड रेस कीजिए, कुंजड़िन मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको। हाँ पीहू बताइए। मैम सब्जी बेचने वाली। हाँ सब्जी बेचने वाली, ठीक है। छीमी मतलब? छीमी मतलब, हाँ बताइए देवांशी। मिर्च, मिर्च। तीखी? नहीं, छीमी मतलब, और ये है ना लाल लाल पतली छीमी हो। मैं मिर्च। मैं मिर्च। नो, मैं मिर्च। मटर की फली। मैं मायूषी। म्यूट कर लीजिए अपने आप। मैं मायूषी। बेटा इस तरह से आप बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, आप एक एक करके बोलिए। फकत का क्या अर्थ होता है? फकत ये है ना, फकत चार आने की। मैम कम पैसा? नहीं, फकत मतलब होता है, युवराज बताइए। मैम ग्राम? नहीं, फकत मतलब होता है सिर्फ, केवल, ठीक है। फकत क्या होता है? सिर्फ केवल। और राह मतलब? राह, हाँ अथर्व वर्मा बताइए। राह मैम लाता। राह मतलब रास्ता। युवराज अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है जब तक आप फंड्रेज नहीं कर लेंगे। एक है शब्द रिसियाते, रिसियाते का क्या अर्थ है? रिसियाते किसको बोलना है? देवांशी को? नहीं, हाँ देवांशी बोलिए। क्या बोल रहे हैं बेटा, समझ नहीं आ रहा, बोलिए। रोना? नहीं, रिसियाते, रिसियाना। प्रीहू बताइए।
मैम गुस्से से काटना। हाँ गुस्से से काटना नहीं, रस्सी आते मतलब गुस्सा करना गुस्से से, और सिसी आते हैं मतलब मैम रोते हुए, सीसी करते हुए ऐसे करना, सिसी आना मतलब क्या होता है, मुंह से सीसी की आवाज निकालना। वो कब निकलता है सीसी की आवाज? जब मिर्ची लगती है। हाँ ठीक है, समझ आ गया, कहानी समझ आ गई आपको। एक बार मैं इस कविता को एक बार और समझा देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस कविता के कवि कौन है बेटा? हाँ बताइए, दिशा बताइए, दिशा बताइए। मैम मायूस बताए। मैम रामधारी सिंह दिनकर। वेरी गुड, रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के जो कवि है रामधारी सिंहकर, वो एक काबुल से आए आदमी के बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि उसने मिर्च को क्या समझा, एक मौसमी फल। मौसमी फल मतलब मौसम का फल, मौसम का फल। सायराम दीदी कुछ कहना है आपको? ओपन नहीं हो रहा था मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो बेटा ये बताने के लिए आप क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो, गलत बात है, बच्चे सुनते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो बाद में रुक करके बोलना है आपको, और प्लीज यूनिफॉर्म में बैठिए ठीक। कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। वो एक काबुल से आए आदमी के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उसने मिर्च को क्या समझ लिया, एक मौसमी फल समझ लिया है। एक काबुल से आए आदमी की लोग कहानी बता रहे हैं कि उसने लाल मिर्च को देखकर कि उसके मुंह में क्या हो गया, पानी भराया, उसको लालच हो गया। मिर्च को देखकर उसने सोचा कि यह कोई मौसमी फल होगा, इस फल में बहुत अच्छे दाने होंगे, और इसको खाने से मुझे क्या होगा, ताकत मिलेगी। ये लेकिन यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, जिस फल को खाने के बाद खूब ताकत मिलेगी। तो उसने सब्जी वाले को, उसने सब्जी वाली जो है कुंजड़िन को, उसने कुंजड़िन, कुंजड़िन मतलब कौन है, सब्जी बेचने वाले को चार आने दिए। चार आने मतलब कितने पैसे, चवन्नी मतलब कितने पैसे हो जाएंगे, 25 पैसे दिए। और अपनी भाषा में और उसने अपनी भाषा में जैसे, युवराज जी प्लीज सुना कीजिए, एक बच्चा बोल लेता है बहुत होता है बेटा, सब बच्चे बोलेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। और उसने जैसे तैसे अपनी भाषा में, क्योंकि उसकी भाषा दूसरी थी तभी तो वो उसने, और मिर्च को उसने कभी देखा नहीं था, तो उसने अपनी भाषा में जैसे तैसे उसने अपनी बात की, और झोली भर के, झोली फैलाकर उससे बोला कि ये अगर लाल लाल पतली छीमियां हैं, फलियां हैं, तो मुझे इसको खाने, अगर ये खाने की चीज है तो मुझे तौल कर चार आने की दे दो। सब्जी वाली बोली, तुरंत बोली, हाँ ये तो सब खाते हैं, और उसने लाल मिर्च काबुली वाले की झोली में भर दी, मतलब बहुत सारी लाल मिर्च, उसने लाल मिर्च से काबुली वाले की झोली भर दी। काबुली वाला बहुत खुश था, मिर्च जिसे वो फली समझ रहा था उसको सस्ते दाम में खरीद कर वह नदी किनारे बैठ करके क्या करने लगा, क्या करने लगा, वो नदी किनारे बैठ करके खाने लगा। जैसे ही मिर्च को उसने खाया, उसका मुंह सारा क्या होगा, जलने लगा। और जैसे ही हम, जैसे कोई भी तीखी चीज खाते हैं तो हमारे आंखों से क्या आने लगता है, पानी। पर वो काबुल का आदमी था और उसने उसे खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे, इसलिए उस मिर्चियों को वो क्या करते रहा, खाए जा रहा था। वो आंख पोंछ रहा था, उसे दांत को भी पीस रहा था, दांत को भी दबा रहा था, रो रहा था, सीसी सीसी सी भी कर रहा था, पर वह मिर्च को खाए जा रहा था। इतने में क्या हो गया, वहां से एक सिपाही जा रहा था,
उसने बोला, अरे मूर्ख, इसे खाकर अपनी तबाही क्यों कर रहा, क्यों क्यों अपनी बर्बादी कर रहे हो? वो काबुली वाला कहता है कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो काबुल का रहने वाला हूँ, मैं बहुत मुझमें बहुत शक्ति है, मैं मुझमें बहुत बल है, मैं काबुल का रहने वाला हूँ, मैंने जिस पर पैसे खर्च किए हैं मैं उसे वसूल करके रहूंगा। तुम अपना राह, उसने बोलता है जा तू अपने राह सिपाही, मतलब तुम अपने रास्ते पर, तुम अपना रास्ता देखो, तुम अपने रास्ते पर जाओ। ठीक है, ऐसी ही एक कविता है। अब हम एक काम करती हूँ, मैं इससे संबंधित एक क्विज करा दे, अच्छा पहले आपको एक काम कराती हूँ, पहले मैं इससे आपको कठिन शब्द करवाती हूँ, एक एक बच्चे कठिन शब्द को पढ़ेंगे पहले। आप सब अपनी कॉपी भी तैयार करके रखेंगे, कॉपी में भी आपको लिखना है। देखिए ये है कठिन शब्द, पहला शब्द कौन पढ़ेंगे? रोल नंबर वाइज पढ़ेंगे सब लोग। अब एक मिनट रुक जाइए, लिखना भी है मैम? हाँ लिखना भी है, बिल्कुल लिखना है बेटा, जो भी चीज आपको बताया जा रहा है वो लिखते भी जाना है। अनंत वर्मा क्लास में है? नहीं है। अंशमीना पहला शब्द पढ़िए। काबुली वाले। क्या है पहला शब्द? काबुली वाले। क्या है? काबुली वाले। अर्जुन दूसरा शब्द? कहानी। कहानी पहला शब्द, पहला और दूसरा दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको अर्जुन। काबुली वाले कहानी। ठीक है अर्पित, आपको तीनों पढ़ने हैं। काबुली वाले कहानी में। वेरी गुड। अथर वर्मा चारों। ये ना काबुली वाले पानी में जरूर। जरूर वेरी गुड। आयुषी पांचों पढ़ना है। आयुषी चलिए, चेष्टा चेष्टा देवादित्य 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 जी, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, आपने कैमरा भी बंद कर दिया। आप देवादित्य देवांशी पढ़िए, देवांशी पढ़िए। यस मैम। काबुली वाले कहानी में जरूर चवन्नी। बस यही यही तक, यही तक। दिशा एक से छह पढ़िए। यस मैम। काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर चवत्री झोली। बस ठीक है। दिशा के बाद दिव्यांश एक से सात पढ़िए। काबुली वाले कहानी में तवन्नी झोली कुंजड़िन। कुंजड़िन ठीक है। अब इलेश राठवा छीमिया तक पढ़ना। ओके काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर चवत्री चवन्नी, ये आधा ना पूरा ना है, चवन्नी झोली कुंजड़िन कुंजड़िन
छीमिया छीमिया, गर्वित गर्वित, कविश कविश। मैम। नौ तक पढ़िए, एक से लेके नौ तक, बाकी बच्चे लिखते जाइए फटाफट। काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर चवन चवनी झोली कुछ दिन छीमिया नमक छीमिया फकत। फकत ठीक है, रुक जाइए। माज कविश के बाद शायद कुशाग्र है क्या? कुशाग्र कुशाग्र नहीं है। माज माज माधव माधव। काबुली पढ़िए 10 तक। वाले कहानी मिर्च जरूर चवित्री चवत्री हो झोली क्या है ये? चवन्नी चवन्नी क्या है वो? चवन्नी चवन्नी चवन्नी। पीछे से आपको दीदी हेल्प कर रही है, उनको बोलिए हेल्प ना करें प्लीज, जो दीदी या मम्मी जो भी है। झोली कुजड़िन जमिया छीमिया फक्त सौदा बस। था। मानसी यस मैम। 11 तक पढ़िए बेटा। यस काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर चवन्नी झोली कुंजड़िन झिमिया फकत सौदा सस्ता। ओके पायल, पायल आप क्लास में हैं? मैम पायल जी, ईशा प्लीज अपने घर का विधि मैम विधि बंद कर लीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए विधि अपने आप को। दिशा म्यूट कीजिए, दिशा प्रजापति म्यूट योरसेल्फ। मेरा म्यूटिच है। तो बेटा म्यूटिच है तो फिर अभी आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है मुझे? मैम अभी मेरा म्यूटी था। नहीं था बच्चे, अब मैम म्यूट, आपको अभी और म्यूट, किस मैम अभी आपको और प्लीज किसी केस आ रहा है। प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट बेटा। आपका अनम्यूट था, पायल से बात करिए क्योंकि घर किसी के घर में गाना बज रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। पायल अनम्यूट कीजिए, पायल जी। यस मैम। काबुली हाँ चलिए पढ़िए। काबुली वाले कहानी वाले कहानी मिर्ची ने मिर्च मिर्च जरूर चबत्री झोली चवन्नी चांदनी झोली कुंजड़िन कुंजन छवे छ छीमिया छिमिया भगत सौदा सौदा सस्ता। सस्ता पूछते पूछते आप घर पे पढ़ते हो? अभी आप जो भी पढ़ रहे, जो जो भी शब्द पढ़ रही थी उसमें आपको आपके कोई भी मम्मी हो या दीदी हो वो हेल्प कर रहे थे, आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ने आना चाहिए,
इतनी बार बच्चों ने रीड कर लिया है तो आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ने आना चाहिए। क्लास में ध्यान दीजिए और रीडिंग पे स्ट्रेस दीजिए बेटा। पी हो? यस मैम। पढ़िए 13 तक पढ़िए। यस मैम। काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर चवन्नी झोली कुंजड़ेन झिमिया फकत सौदा सस्ता पोछते विसियाते। ठीक है, अब ऋषिका 14 तक पढ़िए। ऋषिका ऋषिका नहीं पढ़ रही है, सानवी। यस मैम। पढ़िए आप 14th तक। काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर चवन्नी चवन्नी झोली कुजड़िन थीमिया कुजड़िन पत कुजड़िन झीमिया फकत सौदा सौदा सस्ता सस्ता पहुंचते पहुंचते रिसियाते सिसियाते। अब इसके बाद सम्राट पढ़ेंगे। मैम मैम मैं 3 बार लिखना है। एक बार पहले लिख लीजिए। ठीक है। हाँ सम्राट जी पढ़िए। काबुली वाले कहानी मिर्च जरूरत जरूरत नहीं है जरूर जरूर चवनी चवनी झोली चवन्नी झोली कुंजड़िन कुंजड़िन चीनिया फकत फकत सादा सासा सासा नहीं है सस्ता सस्ता पूछते पूछते सिसियाते 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 सिसियाते। उसके बाद 15वां शब्द आपका है, पढ़िए क्या है। 15 तक आपको पढ़ना है बेटा। बेवकूफ क्या है? चलिए रुक जाइए। शैलेंद्र सिंह भुरिया 16 तक पढ़ेंगे आप। मैम स्नेहल पानेकर इज डन। वेरी गुड। दिव्यांश साहूकर शिवम पढ़िए 1 से लेके 16 तक। काबुली वाले कहानी में कहानी मिर्च जरूर चवन्नी चवन्नी झोली कुंजरिन चीमिया मगट फगट सौदा सस्ता पूछते पूछते
ऋषि आटे, ऋषि आटे, बेवकूफ। अब शिवन्या, शिवन्या आपको शिवन तबाही भी पढ़ना था, तबाही शिवन्या 17 तक पढ़िए। तबाही शिव, ये शिवम रुक जाइए बेटा। शिवन्या काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर शवन्नी झोली कुंडरिन छिमिया पतक सौदा पतक नहीं फकत 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 सौदा सस्ता पोछते सिसी आते बेवकूफ तबाही रहा। ठीक है, अब सिद्धार्थ अनिल। यस मैम। 1 से लेकर 18 तक पढ़िए। ओके मैम। काबुली वाले कहानी मिर्च जरूर चवन्नी, चवन्नी चवन्नी झोली झोली कुजड़िन कुंजड़िन चीमिया फकत सौदा सस्ता सस्त नहीं सस्ता 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 सस्त सस्ता पोस्ते रिसियाते रिसियाते रिसियाते। मैम आपने चवन्नी लिख दिया। त्री नहीं है बेटा, जब हम टाइपिंग में लिखते हैं ना, हिंदी में जब हम टाइप लिखते हैं तो आधा ना और पूरा ना है। बेवकूफ ठीक है। तबाही रहा राह राह मौसम। ठीक है, सारे बच्चों ने लिख लिया इसको। यस मैम। ये जस्ट रेज योर हैंड, कितने बच्चों ने, कितने बच्चे नहीं लिख पाए हैं हाथ का। अर्जुन जी स्पीड युवराज का ही हुआ मैम, युवराज ने नहीं बोला। युवराज जी एक बार आपने बता दिया, मैंने सुन लिया बेटा, बार बार नहीं रटना है, मैंने आपको एक बार बता दिया, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए एक एक बार। फेस्टा म्यूट योरसेल्फ, एक बार आपने आपको एक बार बता दिया कि एक बार बोलना है बेटा, बार बार रिपीट नहीं करना है। मेरा भी हो गया माधव। जल्दी लिखिए फटाफट, क्योंकि मुझे आज शब्दार्थ भी कराने हैं। मैम आता है माय डन। वेरी गुड। सिद्धार्थ सर इज डन। वेरी गुड। अर्जुन युवराज जी आपका हो गया? हो गया मैम, पर बुलवाया नहीं। हाँ मैम मेरा हो गया पर बुलवाया नहीं आपने। तो बेटा सबकी बारी सब चीज में आएगी, हर चीज आपसे थोड़ी बुलवा पाएंगे, सब बच्चों की बारी आएगी ना। ठीक है, हर एक बच्चे को चांस देना पड़ेगा, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम शब्दार्थ पर आते हैं। शब्दार्थ में सिद्धार्थ अनिल के बाद स्नेहल। इसको भी दे जाइए, पहला शब्द पढ़िए और उसका अर्थ पढ़िए।
यस मैम, कुंजड़ीन सब्जी बेचने वाली। क्या है कुंजड़ीन? सब्जी बेचने वाली। विधि गौर, दूसरा, पहला और दूसरा दोनों पढ़िए। विधि गौर, कजुड़िन सब्जी, कुंजड़िन, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली। दूसरा, छीमिया मटर, छीमी, छीमिया नहीं लिखा है यहाँ पर, छीमी लिखा है। मटर, मटर की फली। हाँ, अभी आप सबने देखा होगा, अभी इस सीजन में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, कौन सी सब्जी आ रही है? मटर। मटर, मटर। अच्छा, अभी मैं पूछूंगी आपके घर में मटर से क्या क्या डिशेस बनते हैं, ठीक है? विधि गाबरा नहीं, युवराज अब पढ़िए पहला दूसरा तीसरा। युवराज, कुजड़ीन सब्जी बेचने वाली, छीमी मटर, मटर की फली, फकत केवल साफ, सिर्फ बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप अंश, मीना, एक से लेकर के चार तक पढ़िए। यस मैम, मटर की फूली, फूली नहीं, फली, फली। फकत केवल सिर्फ 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 किसी आते किसी की आवाज निकालते। बस रुक जाइए, रुक जाइए। अर्जुन, एक से पांच तक पढ़िए। यस मैम, कुंजड़ेन सब्जी बेचने वाली, छिमी मटर की फली, प्रकट, प्रकट नहीं, फकत, 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 फकत के वल सिर्फ, सिर्फ सिसी आते मुंह से सिसी की आवाज निकालने, निकालते, ते तबाही बर्बादी। वेरी गुड, ओके। उसके बाद अर्जुन, अर सॉरी अर्जुन नहीं अर्पित, अर्पित सॉरी अर्पित। यस मैम, छह तक पढ़िए। कॉन्फिडेंस सबकी रोकने वाली, चिमनी मटा चिमनी नहीं का केवल केवल काफी सिर्फ सिर्फ आते मुंह से सिर्फ की आवाज निकालते सफाई करवाती पूरा किए। ओके ठीक है। इसके बाद अथर वर्मा। अथर वर्मा पढ़िए जरा, एक से लेके सात तक। कुंजनेम सब्जी बेचने वाली, टीमी मटर की फली, फकत केवल चीज, चिचियाते मुँह से चीची की आवाज निकालते, दवाई
बलवादी सताए पूरी कभी खाए लीची आते गुच्छे से। ओके, उसके बाद आयुषी 1 से 8 तक पढ़िए। आयुषी चेष्टा देवादित्य देवादित्य देवांशी देवांशी देवांशी। यस मैम। पढ़िए बेटे 1 से लेकर के 8 तक पढ़िए। कुजड़ेन सब्जी बेचने वाली मैं चीमी मटर की फली फकत लेवली केवल सिर्फ सिसी आते मुंह से सीसी की आवाज निकालते तबाही बर्बादी सताए पूरा किए खाना खाए ऋषि आते गुस्से से रास्ता। ठीक है, ऋषि पढ़िए बेटा 9 तक। मौसम यस मैम। मौसम बाकी दिशा को पढ़ने दीजिए 1 से लेकर 9 तक। यस मैम। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली चीमी मटर की फली फकत केवल सिर्फ सिसियाते मुंह से सीसी की आवाज निकालते तबाही बर्बादी सधाए पूरा किए खाए रिसियाते गुस्से से राह रास्ता मौसम ऋतु। अब इसके बाद ईलेश यानी दिव्यांश दिव्यांश 11 तक पढ़िए 10 तक सॉरी 10 तक पढ़िए बेटा। यस मैम। सब फकत केवल सिर्फ सिसियाते मुंह से सीसी की आवाज निकालते तबाही बर्बादी सधाए किए घाए सिसियाते गुस्से से रहा आस्था मौसम ऋतु। 25 पैसे कितने आने होते हैं? 25 पैसे आने कितने होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। ओके, ईलेश पढ़िए 11 तक। ईलेश जी कविश। यस मैम।
नहीं है क्लास में, ये चेष्टा भी क्लास में है। चेष्टा बिल्कुल नहीं ओपन करती है माइक को। चेष्टा व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगी? क्यों व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यों भेजू मैं आपको, क्लास में लिखवा तो रही हूँ। माधव जी कैमरा ऑन कीजिए पहले तो आप। माधव जी क्यों लिखवाऊं, क्यों व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजू, आप क्लास में लिख नहीं रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना क्लास में लिखना है सबको। मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजूंगी बेटा। कविश पढ़िए एक से लेकर के 11 तक फटाफट जल्दी जल्दी। यस मैम। कुजड़े ने सब्जी बेचने वाली चीनी मटर की फली फकत केवल सिर्फ सियाते मुंह से सीसी की आवाज निकालते तबाही बर्बादी तबाहे पूरा कीले आए सियाते गुस्से से राह रास्ता मौसम मौसम चक्तु ऋतु चवन्नी पैसे सकती मगन बल 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 ताकत शक्ति। ठीक है अब माधव जी एक से लेके 12 तक पढ़िए। कुंजड़े ने सब्जी बेचने वाली छिमी छिमी मटर की फली फक्त केवल सिर्फ सिसियाते मुंह से सी सी की आवाज निकालते तबाही बर्बादी सदाए पूरा किए खाए रिसियाते गुस्से से राह रास्ता मौसम मौसम त्रितु चवन्नी चवन्नी पच्चीस पैसा बल बल ताकत सकित शक्ति शक्ति मगन डूबा हुआ। कितने बच्चों का हो गया है बोलते जाइए फटाफट, जितने बच्चों का हो गया ये वाला। आज का हो गया मैम। मेरे का मैम पीहू का नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा है। पीहू जी थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे थोड़ी लिखना है। सानवी सिंगल जॉन। ओके बस मैं एक मिनट और दूंगी पीहू जी। यस मैम। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली छीमी मटर की फली फकत सियाते मुंह से सीसी की आवाज निकालते तबाही बर्बादी सधाए पूरा किए खाए रिसियाते गुस्से से राह रास्ता मौसम मौसम ऋतु चवन्नी पच्चीस पैसे बल ताकत शक्ति मगन डूबा हुआ। पीयू जी किस पर हैं आप? मैम लास्ट। बस एक मिनट का समय दे रही हूँ, बस लास्ट 55 होते से ही मैं बंद कर दूंगी क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास में जाना है बेटा। कंप्लीट मैम। मैम कंप्लीट। चलो हो गया सबका। ओके ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट शांति पाठ। शांति 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 साई राम। साई राम मैम। थैंक यू साई राम मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।